तो खैर ठीक है भाई, हमारा तो समाज पूरा अपमानित हो रहा है जी और ये पूरे समाज के ऊपर कलंक है। जी और समाज को गौरवान्वित करने के लिए अगर हमें हमारी जान की कुर्बानी देनी पड़े देंगे, लेकिन जी समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस कभी पहुंचने नहीं देंगे। रही जी बात उस गुंडे की है, तो उस गुंडे को तो हमारे स्तर के ही रखवा दम लेंगे, है ना। लेकिन ये धनबल का प्रयोग जी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जी क्या क्या लगता है, बाबा बाबा का जो भाई है वो जेल जा पाएगा, क्योंकि इतना टाइम हो गया फिर आप एक आंदोलन करने जा रहे हो। संविधान का राज है इस देश के अंदर, हर अपराधी को जेल जेल जाना पड़ेगा, चाहे जी वो बाबा हो चाहे बाबा का भाई। चंद्रशेखर आजाद जी को रोक लिया गया बाई चांस, तो लोग देशभर से जुड़ेंगे, वो आंदोलन भी कमजोर होगा। क्या रणनीति है चंद्रशेखर आजाद जी को ना रोका जाए, सभा स्थल पर वो पहुंचे, फिर मध्य प्रदेश बंद होगा। पूरा मध्य प्रदेश। जय भीम सर। हाँ, जय भीम। आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुनील लस्ते जी बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। जी सर, एक मामले में जानकारी चाहिए। जैसा कि आपको बताइए, छतरपुर में जो घटना हुई थी अली समाजी व्यक्ति के साथ उस शादी में, तो उस मामले में अभी आपने ट्वीट किया कि चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, तो उनको इतना बड़ा एक्शन क्यों देना पड़ा, आखिर क्या कमी रही, प्रशासन क्यों कार्रवाई ना, थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, ये घटना 11 फरवरी की रात की घटना है और लगभग आज 1 मार्च हो चुका है। ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश पुलिस और खास करके छतरपुर पुलिस उस जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो भाई है शालिग्राम शास्त्री, शालिग्राम गर्ग, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? जी सर जी, जबकि जबकि भाई आज स्वतंत्र भारत, आजाद भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने हिसाब से गाने बजाने की आजादी है। क्या ये दो कोड़ी के गुंडे तय करेंगे क्या कि हम शादी में कौन सा गाना बजाए कौन सा नहीं बजाए? जी जी और ये जो आरोपी है शालिग्राम गर्ग, जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है, जी और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार है, उन पर दबाव है और पुलिस पर भी दबाव है सरकार का, जी चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो। जी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और विपक्ष के नेता खुद कमलनाथ जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में गिरने गए थे, तो इसी वजह से अभी तक पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया है, उस आरोपी को अरेस्ट नहीं किया है। एक तरफ तो शिवराज जी कहते हैं कि मेरे भांजे भांजी हैं, और ये दलित बच्चे क्या होंगे भांजी भांजे नहीं है, इससे तो यही सिद्ध होता है। जी आज तक उनका इस मामले पर ट्वीट नहीं आया, ना ही कोई उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सर एक सवाल है कि भीम आर्मी, सीधे सीधे लगता है जी कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पुलिस उस गुंडे आरोपी को बचाना चाह रही है, नहीं तो कभी का अरेस्ट कर लेती। सर भीम आर्मी तो इसीलिए जो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और वो 72 घंटे का अल्टीमेटम पूरा हो चुका है। जो हमने 17 मार्च तय किया है, ये 17 मार्च को बहुजन भाईचारा सम्मेलन करके वहां से उस आरोपी को अरेस्ट करने की मांग को उठाएंगे। जी जी सर, भीम आर्मी लगातार सड़कों पे है, मैं देख रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी जो कि एक राष्ट्रीय नेता हैं, आपके आदर्श हैं, आपके स्वाभिमान है, उनकी ट्वीट को भी दरकिनार किया गया, इस अपमान को कैसे नजर से देख रहे हो? मतलब एक अपमान ही रहा है ये उनका भी, ये कह सकते हैं हम आपको। अपमान तो खैर ठीक है भाई, हमारा तो समाज पूरा अपमानित हो रहा है जी, और ये पूरे समाज के ऊपर कलंक है जी, और समाज को गौरवान्वित करने के लिए अगर हमें हमारी जान की कुर्बानी देनी पड़े देंगे, जी लेकिन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस कभी पहुंचने नहीं देंगे। जी, रही जी, बात उस गुंडे की है, तो उस गुंडे को तो हमारे स्तर के ही रखवा दम लेंगे, जब तक ठेस बैठने वाला नहीं है। जी सर, 17 मार्च को हमारे द्वारा कॉल बुलाई गई है जी, मैं हम SC ST OBC समुदाय के लोग मिलकर 17 मार्च में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। जी जी सर, फिर भी मतलब पहले जो घटना हुई वो भी काफी निंदनीय है, फिर इससे बड़ा अपमान ये हो गया कि आपकी मांग नहीं मानी गई। भीम आर्मी देश में बड़ा संगठन है और एक अपमान उससे ज्यादा ये बड़ा हम कह सकते हैं इसको। फिर अगर आगे आपकी मांग नहीं मानेंगी तो कैसे आप क्या एक्शन लोगे? फिर भी अभी भी आप सरकार हल्के में ले रही है, सरकार को पता नहीं भीम आर्मी कितनी बड़ी ताकत है। हाँ जी बिल्कुल, समाज पार्टी आज प्रदेश के अंदर तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित हो चुकी है जी, तो कहीं ना कहीं उनको प्रशासन को सरकार को ये लगता है कि वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को अरेस्ट नहीं करके सरकार बना लेगी, गलत है। ये पूरा दलित समाज, पूरा OBC समाज, पूरा आदिवासी समाज,
देख रहा है कि तानाशाही शिवराज सिंह चौहान सरकार इस प्रकार से एक बेटी की शादी में एक दो कोड़ी गुंडा आकर बंदूक लहरा कर गाली गुंडा करता है, तमंचा लहराता फायरिंग करता है और उस आरोपी को आज तक अरेस्ट नहीं होता। आखिर पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही उस आरोपी को? सर पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो बंदूक थी, वो जांच नहीं हो पाई। चलो तो आप इस बयान को किस नजर से देख रहे हो? किससे कहा भाई, हमने वीडियो देखा है, पीड़ित परिवार खुद उनके पिताजी, लड़की पिताजी और भाई और चाचा ये खुद हमारे पास वीडियो रखे हैं, वो खुद बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन मान ही नहीं रहा है कि वो बंदूक थी, वो मान ही नहीं रहे। वो कह रहे टॉरच है, ये बयान वीडियो वायरल हो रही है कि जांच पड़ताल चल रही है। मध्य प्रदेश की पुलिस को तो टॉर्च भी मतलब बंदूक भी टॉर्च देने लग रही है। ये अंधभक्ति है बाबा के प्रति। जी 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 ना, ये काम करने का तरीका है, लेकिन और समाज अच्छे से जानता है कि ये सब चीजें समाज के लिए बहुत निंदनीय है और कहीं ना कहीं इसे हमारी भावनाएं आहत हुई है और जहाँ पर समाज की भावनाएं आहत होती है वहाँ पर भीम आर्मी एक बेगर खड़ी होती है। हम लोग बड़े बुलंदी के साथ में, जोरों शोरों के साथ में संख्या में हम लोग जाएंगे और छतरपुर के अंदर जी सरकार बताएंगे तुम्हें आरोपी को अरेस्ट करना पड़ेगा। जी जी सर, तो एक बयान आ रहा है, तमाम तरीके की खबरें वायरल हो रही है की बाद से दामवाले ने छतरपुर छोड़ दिया है, तो ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? दोनों भाई फरार चल रहे हैं। देखिए फरार है तभी तो जी। फरार है वो जी। तभी तो नहीं मिल रहा है जी। या फिर पुलिस 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 अरेस्ट नहीं चाहती किसी को, ऐसा कुछ अपराधी नहीं है जो पुलिस की नजर बच सके। ये तो खुद पुलिस उनको बचा रही है जी। बाबा अपने धन बल का प्रयोग कर रहा है जी। लेकिन ये धनबल का प्रयोग जी ज्यादा चलने वाला नहीं है। जी क्या क्या लगता है, बाबा का जो भाई है वो जेल जा पाएगा क्योंकि इतना टाइम हो गया फिर आप एक आंदोलन करने जा रहे हो? संविधान का राज है इस देश के अंदर, हर अपराधी को जेल जाना पड़ेगा जी, चाहे वो बाबा हो चाहे बाबा का भाई। नहीं फिर भी सर ये कह सकते हैं कि छतरपुर से पाखंड का उदय हुआ, क्या लगता है कि वहां से कैसे आप मिटा पाओ, वहां से क्रांति का उदय होगा इस आंदोलन के बाद? देखिए जहाँ से शुरुआत होती है वहीं से हम भी शुरुआत करेंगे और वहीं अंत करेंगे। सर फिर भी वो पूरे देश भर में भक्तों का वो भविष्य देखते हैं, फ्यूचर वर्तमान पास्ट सब बताते हैं, वो अपने भाई का क्यों नहीं बता पाए? अगर वो जानते थे तो क्यों रोका नहीं उन्होंने? क्या देखते हैं इस नजर से? बाबा अगर अपने भाई का वो बताए हुए भविष्य तो भाई ऐसा काम करता ही नहीं जी। इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, कोई दिव्य शक्ति को उल्लु बनाने का एक प्रयोजन। क्या लगता है सर इस जो भक्ति अंधभक्ति से लोगों को आप निकाल पाओगे, कैसे क्या प्रक्रिया है आपकी? देखिए हम लोग अंधविश्वास को बढ़ाने का काम नहीं, हम अंधविश्वास को मिटाने का काम कर रहे हैं और ये आजादी हमें देता संविधान जी। हम संविधान के माध्यम से लोगों को समझाएंगे और संविधान का पाठ पढ़ाएंगे लोगों को। भाई आप अगर आपको कहीं आप बीमार होते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अगर आपकी लड़ाई होती है या आपको कोई हमला करता है तो आपको थाना जाना चाहिए, अगर आपको शिक्षा के लिए बात करने हो तो हो जाएगी जी। जी सर सब चीजों को लेकर हम लोग बड़े अग्रेसिव मोड में हैं और हम समाज को दिखा देंगे सरकार को कि आपने ये बहुजन समाज के साथ बहुत गलत किया है और इसका खामियाजा आपको 2023 में भरना पड़ेगा। जी जी जी। फिर सर एक सवाल है, तमाम लोग आना चाह रहे होंगे वहां पे आंदोलन इस खबर को सुनेगा क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई है ये भी, तो वो लोग कैसे आ सकते हैं, थोड़ा जानकारी दीजिए छतरपुर कैसे लोग? छतरपुर में बेसिकली आपको अगर कोई बाहर से व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए खजुराहो एयरपोर्ट है। खजुराहो? हाँ खजुराहो एयरपोर्ट है, वहां पर आप सीधे फ्लाइट आ सकते हैं। बाकी की आप लोग दिल्ली से भोपाल से या अन्य राज्य जहाँ जहाँ से भी ट्रेन से आना चाह रहे हैं जो लोग वो कैसे? छतरपुर आइए आप ट्रेन से, छतरपुर रेलवे स्टेशन है, हरपालपुर एक स्टेशन पड़ता है जी। वहाँ पर ट्रेन जाती है जी। और बाकी नजदीक स्टेशन झांसी झांसी पड़ता है, झांसी से भी बहुत पास पड़ता है जी। सर अभी आपने जी जी झांसी हाँ झांसी झांसी सर अभी आपने
एक मतलब कह सकते हैं कि अभी आपने डेट ही डिसाइड की है, तो आंदोलन का जो स्थान है वो कब तक आ पाएगा, कब तक कितने दिन में रणनीति बन पाएगी आपकी? जी हमारी टीम, हमारे भाई देवी सिंह अहिरवार जी, चंदन अहिरवार जी, अनिल वर्मा जी, भारती जी, जी और हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और अजय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, ये पूरी टीम लगी हुई है जी। और वहाँ की जो लोकल कमेटी है समुदाय की जी, वो कमेटी तय करेगी कि कहाँ पर हमें स्नान करना है। अभी हमने तारीख घोषणा की है, बहुत जल्दी ही आप देशवासियों को स्नान मिल जाएगा कि कहाँ पर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जी। सर फिर मतलब एक और सवाल पैदा होता है, जैसे कि बड़े आंदोलन होते हैं, ये भी एक बड़ा आंदोलन है और पूरी पावर उस बाबा के हाथ में कह सकते हैं हम, जब वो नहीं गिरफ्तार हो पाए, चंद्रशेखर आजाद जी को रोक लिया गया बाई चांस, तो लोग देश भर से जुड़ेंगे, वो आंदोलन भी कमजोर होगा, क्या रणनीति है चंद्रशेखर आजाद जी को ना रोका जाए, सभा स्थल पर वो पहुंचे, फिर मध्य प्रदेश बंद होगा पूरा मध्य प्रदेश। हाँ, फिर भी आपने तो रणनीति मजबूत बनाई होगी कि चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों कई बार रोका गया? तो पहले तो रोक नहीं पाएंगे, तो सरकार रोकने में सफल हो गई, तो फिर मध्य प्रदेश बंद होगा और वो होगा जो जो सरकार ने कभी कल्पना नहीं। जी 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 सर, आखिरी क्या अपील है आपकी चैनल के माध्यम से, बीबीसी टीवी से, आपकी क्या आखिरी अपील है लोगों से? अपील है मेरी, यही अपील है कि सभी लोग 17 मार्च को भोपाल, 17 मार्च पहुंचे, जिस प्रकार से आपने 12 फरवरी को भोपाल में दशहरा मैदान बनने का काम किया था, जिस प्रकार से अखबार छतरपुर की ओर बढ़े और वहां से एक लाचार परिवार, बेसहारा परिवार और हमारे बहुजन समाज के अपमान का बदला लेने के लिए आप मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में, बहुजन स्वाभिमान की लड़ाई में आप लोग जरूर पहुंचे, आपका स्वागत है, हम लोग वहां पर तैयारी कर रहे हैं, पहुंचे वहां। यही मेरी पूरे देशवासियों से, मध्य प्रदेश वासियों से विनम्र अपील है और मुझे लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे युवा ये कदम जरूर उठाएंगे और रैली में जरूर आएंगे। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, आभार और आपका धन्यवाद विशाल कुमार जी, आपके लिए मेरी अग्रिम बधाइयां, और हो सकता है और हम भी आ रहे हैं इस आंदोलन को कवर करने शायद। आप जैसे युवा अगर समाज की जो हर एक बारीक से बारीक को सिखाने का काम कर रहे हैं, बहुत ही आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार बनेगी तो जल्द जल्द हम आपको एक बड़ा कर जी जी 17 तारीख को हम भी आ रहे हैं सर पूरी टीम को लेकर, क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई है, इसमें शामिल होना हमारा फर्ज है, आएंगे जरूर। बिल्कुल स्वागत है आपका मेरे भाई। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम।